नाबालिग रेप पीड़िता अधिकारियों के चक्कर लगाए, फिर भी नहीं हुई कार्यवाही। जनपद लखीमपुर खीरी थाना पसगवां क्षेत्र के वरपर के एक मोहल्ले की रहने वाली नाबालिग लड़की की मां ने बताया। आप लोग जब अपनी रिपोर्ट के लिए गए तो क्या बताया? रिपोर्ट हमारी सुनवाई नहीं करी। वो जब कहा, उसने कहा कि मतलब इसमें खींच खाड़ की लिखवाओ तो हम लिख सकते हैं। ये किसने कहा? ये वहाँ के दीवान ने, पसगवां थाने के दीवान। तो हमने मेज के ऊपर दरखास्त रख दी, चले आए वापस। फिर हम सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने सही बोला। फिर उसके बाद में कप्तान तीर गए, कप्तान ने फिर वापस हमको पसगवां थाने भेज दिया। वहाँ से पहुँचे का चौकी इंचार्ज दरोगा जी से बात करिए जाकर, वर्मा। आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं दो में से एक काम हो जाए, मतलब जहाँ तक बने तो इसकी शादी ही हमारी इज्जत बच जाए। की घटना दिनांक 7 जनवरी 2019 रात्रि की है। उठकर देखा तो लड़की, जिसकी आयु 15 वर्ष, घर में नहीं थी। दरवाजा खुला था तब उसने अपने पति व घर वालों को जगाया और पुत्री की तलाश की तो घर के निकट तालाब के किनारे लड़की की कराहने की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो अदनैन पुत्र हिकमत निवासी परवर लड़की को दबोच कर बलात्कार कर रहा था, जो सबको देख कर अंधेरे में भाग गया। जब लड़की को घर लाया गया तो लड़की ने बताया कि क्या मामला हुआ पूरा आपके साथ, क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया? अदनैन। वो कहाँ का निवासी है? बरवर में रहता है। पूरा मामला क्या हुआ था? सोमवार की रात में मुझे बुलाया और मेरे साथ बलात्कार किया, और मेरी मम्मी पापा वहाँ पहुँच कर मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे बंद करा। वहाँ किसी मोहल्ले वालों ने सोलंबर लगा दिए और उसे चौकी पर ले गए। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? मेरी रिपोर्ट ही नहीं ले रही। आप एसपी के पास गए थे? गए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि मैंने पसगवां फोन कर दिया है, वहाँ आप जाइए। अच्छा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं।